जबरदस्त। यार तो हम लोग अभी यहाँ पे पहुंचे हैं। किसकी कब्र है यहाँ पे? एक हमारे शहीद है, लांस नायक अब्दुल अजीज। लांस नायक अब्दुल अजीज़। अच्छा, वो यहाँ पे कोई अपने खुद को बम बांध के वो ब्लास्ट व्लास्ट किए थे इस तरह के किसी जंग में ना, तो उनकी यहाँ पे कब्र है, वहाँ पे जाएंगे। और इसके अलावा एक यहाँ पे रेलवे स्टेशन, रेलवे का एक पुल था जिसको ख़त्म किया गया था इस तरह ब्लास्ट करके कोई जंग की सिचुएशन में, तो वो यहाँ पे एक काफ़ी घूमने आते हैं लोग वहाँ पे। आज हम लोग पहली दफ़ा जा रहे हैं। ये पीछे से रोड आ रही है, ये मतलब नरवा रोड, जसर बाईपास, ये आपने सुना होगा। सीधा उधर से इधर आ जाना आपने, आगे उधर रेंजर से परमिशन लेके आपने आगे जाना। आगे एक ब्रिज होगा जहाँ ये सारा वाक़या हुआ था, ठीक है ना? आप उधर जाके आपको सारी तफसील में बताएंगे क्या सीन है। तो ये लड़के सारे अभी रेडी हैं यहाँ पे, हम निकलेंगे यहाँ पे, आगे चल के फिर आपको दिखाते हैं सीन्स जो भी हैं। तो ये तकरीबन इधर से 2 किलोमीटर आगे होगा, 2 किलोमीटर क्रॉस करके आगे फिर ब्रिज आएगा। ब्रिज से पहले वो आएगा, थोड़ी सी छोटी सी नहर आएगी, उसको क्रॉस अगर करने देंगे रेंजर वाले तो वो भी करके आपको रेंजर से भी अगर परमिशन मिली तो आपको दरिया भी दिखाएंगे। वो छोटा सा ना पिंड दिल चो निकलदा, वो आपको नजर आ रही सामने ही एक पोस्ट है, ये पोस्ट आपको नजर आ रही है। और हमारी इस साइड पे ये सारा का सारा कार्ड होटल बार कोई ओवर कंस्ट्रक्शन जारी है इधर, तो आगे वो सामने आपको पोस्ट भी नज़र आ रही होगी। जूम कर लाऊं, हाँ ये आपको एजेंडा भी नज़र आ रहा होगा। ये पोस्ट है इंडिया की, करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर का जो कॉरिडोर है उस पर जो पुल बना है वो ये वाला है, और उस पर गाड़ी भी चल रही है, हमें नज़र आ रही है, शायद कैमरा मैन नहीं नज़र आए। और उसके अलावा ये जो पोस्ट है इसके बाद इंडिया है। और मतलब इससे पहले जिन बॉर्डर्स पर हम लोग गए हैं वहाँ पर ज़्यादातर जो कम्यूनिटी है वो हिंदुओं की है, क्योंकि वो उस साइड पे, जिस साइड पे हम लोग आए हैं इस साइड पे ये सिख वगैरह रहते हैं, यहाँ पे सिखों की ज़्यादा कम्युनिटी है, ये सिखों का इलाका है। तो आगे चल के आपको दिखाएंगे, अगर कैमरा इस्तेमाल करने देता है, अगर कैमरा के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो। हमारी जो सड़क सीधी सीधी जा रही थी, तकरीबन 1 किलोमीटर सामने आए हैं, और अभी मौसम भी काफ़ी खूबसूरत हो रहा है क्योंकि बादल आ रहे हैं। और मेन रोड से जो ये जो सोल थी, ये जो सड़क थी, इससे नीचे अभी उतरेंगे क्योंकि हमारा जो टूर गाइड है वो नीचे उतर गए, यहाँ से नीचे उतरेंगे। यहाँ पे कोई पुल है वो अभी चल के देखेंगे, और काफ़ी खूबसूरत गांव है, हमें सामने पोस्ट नज़र आ रही है। लेकिन किसी लेजेंड ने कहा था जी डू इट फॉर द ब्लॉग, वही हम लोग कर रहे हैं, रिस्क लेके हम लोग जा रहे हैं। बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक पहुंच चुके हैं हम लोग। ना पिंड दिल चो निकलदा, भावे पिंड चो निकलया मैं। हमारे गांव जो हमारे शहर हैं सारे के सारे बॉर्डर के साथ हैं, मतलब हम लोग इधर भी तकरीबन 100-150 किलोमीटर दूर तक चले, 100 किलोमीटर तक चले जाएं, साथ साथ बॉर्डर की जो लाइन है ना, कोस्ट लाइन चलती है इधर भी सियालकोट तक, इधर लाहौर तक, मतलब सारा बॉर्डर साइड पे हम लोग रहते हैं। पाकिस्तान के एक कॉर्नर है। सारे आपको गाँव वगैरह दिखाएंगे, ठीक है ना? बॉर्डर से बॉर्डर के करीब जितने भी गाँव हैं ना, आपको एक एक करके सब सब्सक्राइब करना है आपने। क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब है, बाइक पे बैठ के हम चल नहीं सकते, फिर हम उतर के आए हैं, तो उतर के बस आ रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि रास्ता पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी ख़राब था, क्योंकि बाइक उधर से गुजर नहीं सकती थी, इसलिए हम उधर उतर के आए हैं।
अब इधर थे काफी करीब है बॉर्डर, अब बॉर्डर पे चलेंगे, ब्रिज पे चलेंगे, आपको नहर दिखाएंगे, बने रहे। ओ ये चीज, ये चीज ये क्या है? पड़ा है ना, वो जंगल जबरदस्त। हमने क्या देखा अभी यार? यार ये छोटा सा बच्चा था हिरण का, जिसे हम पंजाबी में पड़ा भी कहते हैं और हिरण भी कह सकते हैं। तो यार ये सिर्फ शकरगढ़ में ना इसी एरिया में नजर आती है, बॉर्डर के इसी एरिया में, ठीक है ना यार? ये यहाँ यार वाइल्ड लाइफ की हर चीजें आपको, सांप, बिच्छू, केकड़े, हर चीज नजर आ रही है। बैक साइड से कुछ भी निकल सकता है, वो जो पिग वगैरह ना वो भी आ सकता है, अभी वो भी आ सकते हैं ना, शेर वगैरह भी आ सकता है, इसलिए मैं जाना पड़ेगा क्योंकि निकलना पड़ेगा भाई। ये तो निकलते हैं हमारे एक हीरो, नेशनल हीरो, जो कि 1965 की जो वॉर थी इंडिया के साथ, उनके उसमें शहीद हुए थे और बड़ी जुर्रत और बड़ी बहादुरी के साथ शहीद हुए थे। तो यार हमने परमिशन वगैरह ले लिया, हम सब पहुंच चुके हैं इधर। ये जो ये थी वो कबर जो आपको हम जिस बारे में बता रहे थे कि जंग के दौरान जो बॉर्डर वगैरह के साथ ही हमारा वो ब्रिज था, ठीक है ना, जो इन्होंने अपने साथ वो बम वगैरह बांध करना तबाह किया था, ठीक है। तो ये पीछे आप कबर देख सकते होंगे। क्योंकि ये हमारे लेजेंड है, हमारे लिए इन्होंने जो भी किया। जसड़ वाली साइड से हम लोग अभी इंडिया की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल सामने सिख रहते हैं। ये जो सामने हमें, हमारे सामने वाला रीजन है, यहाँ पे अभी यहाँ पे सिख रहते हैं इस साइड पे, और जहाँ से पहले हम लोग जाते थे वहाँ पे वो रहते थे हिंदू वगैरह। करतारपुर का जो गेट है ना, मतलब उस कॉरिडोर का जहाँ से एंट्रेंस और एग्ज़िट है पाकिस्तान इंडिया का, वो इस साइड पर है, यहाँ से कोई 2-4 किलोमीटर। अभी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा मौसम हो गया, और काफ़ी धूप भी हो गई भी थी, लेकिन अभी थोड़े बादल वादल आए हैं, जिस रास्ता बहुत ख़राब है, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते, क्या वजह? या आप लोगों के लिए हम जा रहे हैं, रास्ता इतना ख़राब है फिर भी जा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, मगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? अभी करें सब्सक्राइब लाइक, फिर आगे हम जा ही रहे हैं, वीडियो दिखा ही रहे हैं आपको। ये आ गया मेन स्टेशन जो आपको दिखाने लगे, चेक करें। ये वो जगह है कि जिससे इसके ऊपर पुल हुआ करता था ट्रेन का, और बिल्कुल इस उस जगह पे बैक साइड पे ये वो थे, क्या कहते हैं, दरायरा बीचा, ट्रेन स्टेशन, रेलवे स्टेशन था जो, और पिलर लगे ये वो पुल है, इसके ये जो नीचे वाला ये जो सारा एरिया है ये बेसिकली दरिया का रास्ता है ना, दरिया यहाँ से बहता है, और यहाँ पर आप देखें थोड़ा सा पानी भी है। ये जो पाकिस्तान ऐसा दिखता है इस साइड से, पाकिस्तान से, और बिल्कुल ये जो ऊपर से पुल है वो सामने आपको पुल नज़र आ रहा होगा, ये और ये पुल ज्वाइन था पहले, ठीक है ना। तो फिर तो बहुत मुश्किल से मैं ठहरा हुआ इधर, ठीक है ना, सिर्फ आपके लिए। तो अच्छा ये आपको ब्रिज दिखा दिया जो कि उड़ा दिया था बॉम्ब से, अल्लाह ताला ने क्या ज़बरदस्त मौसम बना दिया हमारे लिए, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया। ब्यूटी चेक करें, ब्यूटी 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 चेक करें, ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। और तो ये जो आगे जो सीन है ना, सारे पैसे इसके इसी के हैं। अगर जसड़ साइड पे आते हो और इस जगह पे नहीं आते, अगर आपको परमिशन मिल जाए तो, हमें तो मिल गई है। भाई क्यों, आप लोगों ने अपना वो आईडी कार्ड जो है ना, अगर पाकिस्तानी वैलिड आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, वो आपने जमा कराना है। और ये यहाँ पे दरिया शुरू हो गया। अच्छा ये ब्रिज था जो पीछे से मैं आपको दिखा रहा था ऊपर चढ़ के, ये उसके साथ ज्वाइन था, ये पीछे इसके साथ, ठीक है ना, ये बॉम्ब से उड़ा दिया था, ठीक है ना। तो आगे आपको सीन दिखाने लगे हैं, बाकी सब तो यस है, मगर सारे के सारे पैसे इसी चीज़ के हैं। तो दिल थाम के बैठिए, आपको एक खौफनाक किस्म का सीन दिखाने लगे हैं हम। पानी काफ़ी कम हो चुका है मगर फिर भी आपको दिखाते हैं, दिल थाम के ज़रा बैठिए। ये हम लोग रावी है हमारी बैक साइड पर, और इसके पीछे
और इसके पीछे इंडिया नहीं है, ये जो पोस्ट नज़र आ रही है पाकिस्तान की है, और यहाँ पाकिस्तान की रेंजर्स है, पाकिस्तान की आर्मी है, इसके बिल्कुल आगे इंडिया है यहाँ से, मतलब ये हम लोग पंजाब की इस साइड पे आखिरी सरहद पे खड़े हैं। तो ये यहाँ की एक ख़ास चीज़ है, ये वो पुल है जिसको हमारे फौजी जवानों ने, हमारे पाकिस्तान की आर्मी के जवानों ने उड़ा दिया था। को जो दरिया दिखाया ना, ये एक्चुअली इंडिया से होकर एक बार फिर पाकिस्तान में आता है, ठीक है ना, और पाकिस्तान में ये इंटर होकर आप देख सकते हैं पीछे, ठीक है ना, पीछे हमारे चौकी थी वो भी आपको दिखा दी है। इंसानियत होनी चाहिए, ये सरहदें वगैरह नहीं होनी चाहिए। जो हमारे जो इंडियन दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हम लोग उनको बहुत मोहब्बत करते हैं, इंडियन भाई, सिख भाई, ये जो सरहदें वगैरह ये खत्म होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, ठीक है ना। वो देख रहे हैं बॉर्डर वाले हमें अभी, ठीक है ना, रेंजर वाले, तो अभी वो हमें रोके ना, इसलिए हम कैमरा करने लगे बंद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये जी हमारा लाना है, हमारे लाने ने बड़ी मुश्किल से हमें टाइम दिया था, इसके लिए हमने कितने घंटे इंतज़ार किया, तीन घंटे तकरीबन, तीन घंटे इंतज़ार किया। ये बंदा हमें ना वहाँ पे बिठा के ना अपने मोहल्ले में कह रहा था कि मैं 10 मिनट में आया, और तकरीबन दो घंटे में आया था। तोतले को ज़्यादा जल्दी लगा, कहाँ दो घंटे में आया सर, यहाँ दो घंटे में आया था ये। और हमारी बैक साइड पे जंगल है, हम थोड़ी सी ट्रैकिंग कर रहे हैं, और गर्मी की वजह से काफ़ी ना डिहाइड्रेशन हो रही है, और ये उमर भाई, सलमान भाई हमारे साथ हैं, अभी भूख लग रही थी और हम लोग खाएंगे अभी नान टिकियाँ, नान टिक्की खाने से पहले अच्छे बच्चे जो है ना खाना बाद बाद धो के ना फिर नान टिक्की खाते हैं। ये पाकिस्तान के हालात है, पाकिस्तान का इंटरनेशनल फूड नान टिक्की, कोई करेंगे जल्दी तोड़ो, पानी खत्म है, नहीं तो ले लो। उमर भाई, ओए उमर भाई, उमर भाई नल का गेट पे।